दोस्तों, सविता नाम ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन आप में से बहुत लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि इसी नाम से एक बेहतरीन हॉरर मूवी मराठी सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का डायरेक्शन अपने आप में एक चैलेंज था, जो चैलेंज बखूबी निभाया है स्वप्ना जोशी ने। IMDb पर इस मूवी को 6 out of 10 स्टार्स मिले हैं, लेकिन मराठी दुनिया में इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अलग और बेहतरीन मूवी की कहानी को, जिसका नाम है सविता दामोदर परांजपे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फेमस नॉवेलिस्ट शरद और शरद की पत्नी कुसुम से, जो कि एक प्रोग्राम अटेंड करने आए थे। ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में इतने रंग नहीं है जितने एक मैरिड कपल में होने की जरूरत होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि शरद और कुसुम को कोई बच्चा नहीं है, और इसी वजह से शायद शरद के बेइंतहा प्यार के बावजूद शरद कुसुम से अपनी जिंदगी को कनेक्ट नहीं कर पाया था। हालांकि ये बात शरद और कुसुम किसी ने भी एक दूसरे से नहीं कही थी। ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले शरद कुसुम को लेकर वहां से जाने लगता है, और उसे हम एक ऐसे रूम का किराया भरते देखते हैं जिस रूम में कोई नहीं रहता था। किराया देते वक्त शरद ने ये कहा था कि अक्सर हम अपनी जिंदगी के भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ पल ऐसे भी होते हैं जहां हमें हमारे भूतकाल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस सारी सिचुएशन का क्या मतलब था, ये हमें कहानी आगे समझाती है। घर आने के तुरंत बाद कुसुम के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है, और शरद तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर कुसुम को शांत करवाता है। इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि कुसुम का ये पेट दर्द एक दो दिनों से नहीं बल्कि पूरे 8 साल से चल रहा था, और डॉक्टर अब तक इसका इलाज नहीं ढूंढ सके थे। एक नोटिस करने वाली बात और है कि डॉक्टर कहते हैं कि कुसुम की फिजिकल कंडीशन एकदम नॉर्मल है, और उसका पेट दर्द सिर्फ उसके दिमाग या फिर मेंटल इलनेस का प्रतीक हो सकता है। खैर, कहानी में अगले दिन कुसुम और शरद की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो कि शरद की बहन नीतू के लिए एक त्योहार से कम मोमेंट नहीं था। इसलिए सारी तैयारी नीतू ने अपने हाथों से की थी, ताकि शरद और कुसुम बस अपने इस खास मौके को एंजॉय कर सके। इसी पार्टी में हम देखते हैं कि शरद अपने एक दूर के रिश्तेदार को अपनी पार्टी में बुलाता है, जिसका नाम था अशोक। अशोक एक पाल्मिस्ट्री एक्सपर्ट था, जिस वजह से शरद ने उसे कुसुम का हाथ देखने के लिए बुलाया था। हालांकि शरद इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन 8 साल की इस बीमारी ने शरद को पामिस्ट्री जैसे टेक्निक को भी परखने पर मजबूर किया था, क्योंकि वो कुसुम को इस पेट दर्द से मुक्ति दिलाना चाहता था। इसीलिए अगले ही दिन अशोक शरद और कुसुम के घर आता है, और कुसुम अपना हाथ अशोक के सामने रख देती है। हाथ देखते ही अशोक की नजर कुसुम के हाथ पर लगे हुए एक ब्लैक स्पॉट की तरफ जाती है, लेकिन कुसुम के अनुसार वो स्पॉट उसे जन्म से नहीं था। ये कहने के तुरंत बाद अशोक अचानक से एग्रेसिव हो जाता है, और वो कुसुम से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। अब अशोक तो कुसुम को जानता था, तो फिर उसने ये सवाल कुसुम से क्यों पूछा। खैर, अशोक के एग्रेशन को देखते हुए कुसुम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद कुसुम के पेट में दर्द होने लगता है, और वो भाग कर अपने कमरे में चली जाती है। अशोक और डरा हुआ शरद कुसुम के कमरे में जाते हैं, और वहां पर कुसुम अपना मंगलसूत्र निकालकर खुद को सविता दामोदर परांजपे नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब सविता का नाम सुनकर शरद काफी डर जाता है, लेकिन उसके चेहरे से एक बात साफ नजर आ रही थी कि शरद सविता को अच्छी तरह से जानता था। सविता की आत्मा कुसुम के शरीर को कंट्रोल कर रही थी, और सविता को कुसुम की जिंदगी बर्बाद करनी थी, क्योंकि अपेरेंटली कुसुम ने सविता की जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन कुसुम ने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, तो फिर सविता कुसुम से बदला क्यों ले रही थी। इस सवाल का जवाब हमें शरद बताता है जब उनके फैमिली डॉक्टर वहां पर आते हैं। डॉक्टर के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डॉक्टर शरद को सविता की जानकारी देने के लिए कहते हैं। सविता के बारे में शरद के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को डॉक्टर रिकॉर्ड करना चाहता था, ताकि शरद के मन में उठे हुए सारे सवालों के जवाब उसे अपने आप ही मिल जाए। और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम एक सविता नाम की लड़की को वीणा बजाते हुए देखते हैं, जो शरद की बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन सविता के दिल में शरद के प्रति प्यार था, लेकिन शरद सविता को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता था। एक दिन सविता शरद को अपनी एक खास दोस्त से मिलवाती है, जिसका नाम था कुसुम। यस दोस्तों, इसका मतलब यही है कि सविता और कुसुम एक दूसरे के दोस्त थे। लेकिन पजेस्ट कंडीशन से नॉर्मल होने के बाद कुसुम को कुछ याद नहीं रहता था, इसीलिए वो सविता के बारे में सारी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। कुसुम को देखते ही शरद उसका दीवाना हो गया, और कुसुम के लकी चार्म की तरह उस वक्त शरद को कुछ किताबों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तभी कुसुम और शरद एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे, और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया।
जब ये बात सविता को पता चली तब सविता को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो शादी के एक दिन पहले शरद के कमरे में आई और अपनी फीलिंग्स के बारे में शरद को बताने लगी। सविता ने शरद को मंगलसूत्र दिया था। सविता चाहती थी कि शरद मंगलसूत्र पहना के उसे अपना ले, लेकिन शरद मंगलसूत्र गुस्से में फेंक देता है और सविता के ऊपर गुस्सा होके उससे कहता है कि तुम मेरे लिए वाइफ मटेरियल नहीं हो। उसके अगले ही दिन जब कुसुम और शरद की शादी हो जाती है, उसी दिन अपने कमरे में सविता खुद को जिंदा जला लेती है। अब आपको याद होगा कि कहानी की शुरुआत में हमने शरद को एक रूम का रेंट पे करते हुए देखा था जिसमें कोई नहीं रहता था। उस कमरे में सविता ही रहती थी और सविता के सुसाइड के लिए शरद बहुत गिल्टी फील कर रहा था और कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार भी ठहरा रहा था। प्रेजेंट मोमेंट में जब डॉक्टर ये सारी बातें सुनते हैं तब वो कहते हैं कि शरद के इसी गिल्ट की वजह से कुसुम और शरद की सेक्सुअल लाइफ खराब चल रही है। इसीलिए कुसुम अपने अंदर छुपे हुए डिजायर्स को सविता का रूप देकर बाहर निकाल रही है क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। अब डॉक्टर की इस बात से अशोक बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। सविता का भूत जब भी कुसुम से उतर जाता था तब कुसुम एकदम नॉर्मल बिहेव करती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन अशोक, शरद और उनके फैमिली डॉक्टर के बीच चल रहे डिस्कशन के दौरान कुसुम अपना मंगलसूत्र निकालकर शरद पर फेंक देती है बिकॉज शी वॉज पजेस्ड बाय सविता और कुसुम बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं थी। सविता रूपी कुसुम अपने ही बच्चे को चाकू से मारने की बात कर रही थी, स्पेशली तब जब कुसुम प्रेग्नेंट भी नहीं थी। तब एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि सविता 8 सालों से कुसुम को पेट दर्द दे रही थी ताकि कुसुम को कभी बच्चा ना हो सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम काफी सारे सिचुएशंस में सविता की आत्मा को कुसुम पर हावी होता देखते हैं और इसी वजह से शरद काफी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में रहने लगा था। वो अपने आप को कुसुम से दूर कर लेता है ताकि उसका ध्यान ऐसी चीजों पर ना जा सके, लेकिन इस वजह से कुसुम को बहुत दुख होने लगता है क्योंकि उसकी इस पूरी हालात में कोई गलती नहीं थी। इसी बीच अशोक, शरद की बहन नीतू की तरफ अट्रैक्ट होते हम देख पाते हैं। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी खराब क्यों ना हो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुसुम के ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद शरद एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जाता है। शुरुआत में तो शरद साफ मना कर देता है, लेकिन अशोक के समझाने पर वो उस प्रोग्राम में चला जाता है। अशोक शरद के पीछे कुसुम की देखभाल करने के लिए रुकता है। अब अशोक जब कुसुम से मिलने जाता है तब वो कुसुम को मंगलसूत्र निकालने के लिए रोकता है, लेकिन पेट दर्द जब बहुत ज्यादा होने लगता है तब अशोक कुसुम को मंगलसूत्र निकालने देता है और हम फिर से सविता को कुसुम पर हावी होता देखते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अशोक सविता को कुसुम से क्या चाहिए ये पूछता है। तभी सविता अपने इविल इरादों को उसके सामने रखती है और कहती है कि वो कुसुम के इस शरीर को बर्बाद करना चाहती है। सविता के हिसाब से शरद कुसुम की तरफ उसके शरीर की वजह से अट्रैक्ट हुआ था और कुसुम का शरीर भ्रष्ट होने के बाद सविता को शांति मिल जाएगी। ये सारी बातें सुनकर अशोक बहुत हर्ट होता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो शहर छोड़ के चला जाता है। जब शरद वापस आता है तब अशोक के इस अचानक घर से जाने के डिसीजन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए शरद अशोक को कन्विंस करने के लिए मिलने बुलाता है। उसी जगह पर अशोक अपनी सविता से हुई बातों के बारे में शरद को बताता है और ये सारी बातें सुनकर शरद को बहुत गुस्सा आता है। शरद को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि अशोक कुसुम के इस मेंटल इलनेस को मौका बनाकर कुसुम को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर भी शरद अशोक को जाने के लिए कह देता है। शरद के घर वापस आने के बाद सविता अशोक के बारे में डेवलप हुए अपने सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में शरद के सामने कन्फेस करती है और इसी वजह से शरद पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब विज्ञान और इंसान की होप का अंत होता है वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। ऐसी किसी बातों पर विश्वास ना होते हुए भी शरद कुसुम को लेकर एक आश्रम में जाता है और वहां पर कुसुम के साथ अच्छा वक्त बिताता है। जब शरद पंडित जी का आशीर्वाद लेता है तब पंडित जी के हिसाब से सविता ने कुसुम के शरीर को छोड़ दिया है और अब कुसुम बिल्कुल नॉर्मल है। ये बात सुनकर शरद खुशी से कुसुम को लेकर घर आ जाता है, लेकिन दोस्तों घर में घुसते ही सविता वापस कुसुम के शरीर में आ जाती है और कुसुम की माँ पर ही अटैक कर देती है। इसका मतलब अध्यात्म से भी सविता ने हार नहीं मानी थी, लेकिन शरद ने इस सिचुएशन के सामने अपने घुटने जरूर टेक दिए थे और इसीलिए शरद ने अशोक को मदद के लिए वापस बुला लिया। शरद ने अपने मन की तैयारी कर ली थी और वो सविता के सेक्सुअल डिजायर्स को अशोक को पूरा करने के लिए कह देता है, लेकिन अशोक एक बहुत अच्छा इंसान था और इंसानियत के खातिर वो ये सारी चीजें करने से मना कर देता है। ये सब होने के बाद कुसुम एक्सीडेंटली उस रिकॉर्डिंग को सुन लेती है जिसमें शरद ने सविता की कहानी बताई थी और तब कुसुम समझ जाती है कि वो बीमार नहीं बल्कि पजेस्ड है।
ऐसे ही एक मौके पर अशोक से शरद की तकलीफ देखी नहीं जाती और वो सविता की इच्छा पूरी करने के लिए पहुंच जाता है। तभी कुसुम को पता चलता है कि सविता को कुसुम से क्या चाहिए था। ये सुनकर कुसुम भागकर ओल्ड कॉलोनी के सविता के उस रूम में पहुंच जाती है जिस रूम का शरद रेंट पे कर रहा था और सविता से इन सब घटनाओं का कारण पूछती है। लेकिन सविता की आत्मा एक इविल स्पिरिट थी जो कुसुम से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कुसुम इन सारी चीजों से थक चुकी थी और वो इस प्रॉब्लम को ही खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने आप को सविता की तरह ही जलाकर मारने का प्रयास करती है। लेकिन वक्त पर शरद पहुंच जाते हैं और कुसुम को बचा लेते हैं। गुस्से में ही सही, लेकिन शरद अब सविता के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुसुम से उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये बात वो सविता को बता देता है। और ये बात सुनकर अचानक से कुसुम बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद अशोक कुसुम की आंखों में देखता है और तब उसे पता चलता है कि सविता ने कुसुम के शरीर को छोड़ दिया था। ये गुड न्यूज जब अशोक शरद को बताता है तब शरद खुश होने के बजाय अशोक से ये कहता है कि सविता को वो अच्छी तरह से जानता है और सविता इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। शरद की ये बात खत्म होते ही हम सविता को वीणा बजाते हुए सुन पाते हैं और आवाज का पीछा करते हुए शरद को उसकी बहन नीतू के अंदर अब सविता की आत्मा दिखने लगती है। इसका मतलब साफ था कि सविता शरद की जिंदगी से नहीं जाने वाली थी। और इसी शॉकिंग सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि किसी से प्यार करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपनी जिंदगी किसी के ना कहने पर खत्म कर देना और रिवेंज में ही अंतकाल तक भटकते रहना, ये कोई वाइज चॉइस नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के दरवाजे पर भी सुसाइड करने वालों को कोई जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की कीमत समझकर अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए, क्योंकि खुद से नफरत करने का हक भगवान ने हमें नहीं दिया है। तो ये थी सविता दामोदर परांजपे की कहानी, एंड आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह फिल्म और उसकी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और दूसरे लोगों तक कहानी पहुंचाने के लिए शेयर भी जरूर करें। और सबसे जरूरी बात कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।